खबर में अहमदाबाद गोनामऊ से, जहां स्थानीय तहसील के तहसीलदार न्यायालय में मुकदमों के निस्तारण में विलम्ब होने, फाइलों को अधिक दिन तक लंबित रखने और कार्यालय में भ्रष्टाचार को लेकर सोमवार को अधिवक्ताओं ने तहसीलदार न्यायालय के समक्ष धरना दिया। इस दौरान वकीलों ने तहसीलदार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, स्थानांतरण की मांग पूरी होने तक न्यायालय के बहिष्कार करने की बात कही। अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि तहसीलदार मुकदमों को लंबित करने और मामूली फाइलों को भी अपने न्यायालय में लटकाए रहते हैं। दाखिल खारिज और रिपोर्ट आदि की मामूली फाइलों को भी महीनों तक आवास पर रखे रहते हैं। जब भी अधिवक्ता उनसे फाइलों के संबंध में बात करते हैं तो केवल निस्तारण का आश्वासन दिया जाता है। अधिवक्ता फिरोज अहमद सिद्दीकी ने आरोप लगाया कि मुकदमे की एक फाइल को आदेश में लेने के बाद भी काफी दिनों तक जब वह फाइल नहीं मिली तो उन्होंने उनसे पूछताछ किया तो तहसीलदार द्वारा उल्टा सीधा जवाब दिया गया। धरने के दौरान अधिवक्ताओं ने तहसीलदार राहुल गुप्ता के खिलाफ नारेबाजी कर उनके स्थानांतरण की मांग की। धरना पर बैठने वाले प्रमुख रूप से फिरोज अहमद सिद्दीकी, संतोष श्रीवास्तव पूर्व अध्यक्ष, खालिद कमाल, प्रदीप उपाध्याय, प्रभाकर राय, आबिद एजाज आदि शामिल रहे। इस संबंध में तहसीलदार राहुल गुप्ता का कहना है कि अधिवक्ताओं का आरोप निराधार है, फाइलों के निस्तारण में कोई विलंब नहीं होता है। प्रशासनिक कार्यों के साथ न्यायिक कार्य के निष्पादन का पूरा प्रयास किया जाता है। कुछ अधिवक्ताओं के व्यक्तिगत हितों की पूर्ति न होने पर अधिवक्ता अनर्गल आरोप लगा रहे हैं।